जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मैं महेश पाठक श्री धाम वृंदावन से आपकी सेवा में ज्योतिष की नई नई जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आपके लिए ज्योतिष से संबंधित नई नई जानकारियाँ रोज़ ही YouTube पर अपलोड करता हूँ। अभी हमारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये सब योग का चल रहा है कि राजयोग कितने होते हैं। तो मित्रों, मैं आपको बताऊँ, ये सारे योग मिला के 325 होते हैं, जिसमें हम हर योग का विश्लेषण आपके सामने कर रहे हैं कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, सब योग आपके सामने आ जाएं। कितने योग होते हैं, हर योग पर नंबर डाल के आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अभी हम योग नंबर 9 और योग नंबर 10, दो योग अभी आपको बताने वाले हैं। और ये दोनों योग लगन से संबंधित हैं कि लगन से शुभ योग कैसे बनता है और लगन से पाप योग कैसे बनता है। मित्रों, वीडियो आप अंत तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। कोई भी चीज़ आप अधूरी ना छोड़ें, वीडियो पूरा देखें। पूरा वीडियो देखने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि शुभ योग लगन से कैसे बनता है और पाप योग लगन से कैसे बनता है, उसका परिणाम क्या होता है, जातक को फल क्या मिलता है। हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है ज्योतिष सेवा वृंदावन, आप सब्सक्राइब करें और साथ में बेल पुश बटन को भी दबाएं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो हम जानकारी का डालेंगे वो सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे आपको मिले। इसके बाद आप वीडियो देखें, और अगर आपको लगता है कि वीडियो बहुत अच्छा है और आप उसे अच्छा समझते हैं, तो उस वीडियो को आप लाइक करें और उसको शेयर करें। लाइक करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि YouTube और Google उस वीडियो को उठा के सबसे ऊपर की श्रेणी में रखेगा और वो वीडियो सबसे पहले आपके सामने आएगा और आपके इष्ट मित्रों के सामने आएगा। शेयर करेंगे तो मित्रों को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको अब इनका विश्लेषण बताता हूँ कि जो शुभ योग लगन से बनता है और ये पाप योग जो लगन से बनता है, ये किस तरह बनते हैं और इसका क्या क्या परिणाम होता है। योग की श्रृंखला में योग नंबर 9 और योग नंबर 10 मैं आपको बता रहा हूँ। लगन से जो बनता है, इसको हम शुभ योग कहते हैं कि लगन से शुभ ग्रह, लगन जो है अब शुभ ग्रह से युक्त हो तो शुभ योग बनता है। शुभ ग्रह से युक्त का मतलब, इस लगन में गुरु बैठा हो, बुध बैठा हो, शुभ ग्रह यही है, चंद्रमा बैठा हो या शुक्र बैठा हो, ये ग्रह में से अगर कोई बैठे हों तो ये लगन शुभ ग्रह हो जाती है, शुभ ग्रह से युक्त हो जाती है। तो शुभ ग्रह से लगन युक्त होगी तो वो शुभ योग बनाती है। और ये योग जातक को क्या लाभ देते हैं? शुभ योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति प्रसिद्ध वक्ता होता है, उसकी वाणी में मंत्र मुग्ध करने की शक्ति होती है तथा जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कला उसे आती है। ऐसा जो जातक होता है, ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति रूपवान, सदाचारी तथा विविध सद्गुणों से युक्त होता है। कौन सा व्यक्ति? जिसका लगन शुभ योग होती है, लगन में शुभ ग्रह बैठे हों। अब ये लगन है, इसमें अगर शनि बैठ जाए, राहु बैठ जाए, केतु बैठ जाए या मंगल बैठ जाए, तो ये जो लगन है ये पाप योग बन गया, इस लगन में बन गया पाप योग। यदि जन्म लगन पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त हो तो अशुभ योग होता है, फिर पाप योग होता है। इसमें जिस लगन में, जिस कुंडली में ये योग होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है बड़ा कामी होता है तथा दूसरों का पैसा हड़पने में माहिर होता है और वो जीवन में असफल रहता है, दुर्भाग्य से पग पग पर बाधा पहुंचाने वाला होता है। तो इस प्रकार मित्रों, जो पाप ग्रह लगन में बैठेंगे पाप योग बनाएंगे, शुभ ग्रह लगन में बैठेंगे शुभ योग बनाएंगे। तो आपके सामने मैंने कि राज योग बनाया है कि ये शुभ लगन और पाप लगन में किस तरह राजयोग बनता है। आपको ये वीडियो हमारे कैसे लगते हैं, इसके बारे में अपनी आप राय जरूर दें हमारे को, क्योंकि आपकी राय से हमें बड़ा हौसला मिलता है। आप राय देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा कि हम आपके उन विचारों से सहमत होंगे। और जो आने वाले हम वीडियो डालते हैं, उन वीडियो में कुछ करेक्शन करने हैं या उन वीडियो में कुछ चेंजिंग करनी है, तो उस आपकी राय के द्वारा हम उसको सुलभ कर पाएंगे। मित्रों, मैं महेश पाठक सीधा वृंदावन से, आपसे मेरा एक निवेदन है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल पुश बटन दबाएं और हमारे जो वीडियो हैं, वीडियो को आप देखें, उनको लाइक करें और उनको आप शेयर अवश्य करें। तो आप शेयर करेंगे तो आपके जो इष्ट मित्र हैं उनके सबके सामने ये जो नई नई जानकारियाँ हैं वो आपके मित्रों के पास पहुँचेंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा आप अवश्य करेंगे। मित्रों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें अगर कोई भी अशुभ योग है, जैसे
स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है, धन संबंधी परेशानी है, या कोई बहन भाइयों से अनबन है, माता से कोई भूमि का कोई आपको दिक्कत परेशानी है, माता से अनबन है, संतान संबंधी कोई परेशानी है, शिक्षा में अड़चन आ रही है, कोई दुश्मन परेशान कर रहा है आपको, या कोई पत्नी से अनबन है, पति से अनबन है, या कोई बिजनेस व्यापार के अंदर आपको दिक्कत आ रही है, कोई रोग ऐसा लग गया है जो आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इसका आपको इलाज नहीं लग दिख रहा कोई इलाज है इसका कोई, या भाग्य में अड़चन आ रही है, या आपको जो कर्म क्षेत्र है कर्म क्षेत्र में आपको दिक्कत आ रही है, या आपको लाभ होना चाहिए लाभ नहीं मिल रहा है, या आपका जो ये खर्चे वाला भाव है तो इसमें आप जो कुछ कमाते हैं सब खर्चा होता है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए इन सब चीज़ों का आपको समाधान हम देंगे। आप हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजें, उसके हिसाब से उसका हम विश्लेषण करके आपको पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में क्या योग खराब है और क्या योग अच्छा है आपको बताएंगे, उसका आपको पूर्ण रूप से समाधान भी बताएंगे। तो मित्रों ये आपको वीडियो हमारे कैसे लगते हैं इसके बारे में हमें अपनी राय दें, और इसके साथ ही मैं महेश पारस सीधा वृंदावन से आपको जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।